मैंने आज मस्टर्ड पहना है तो रूहान के लिए मैंने ये कुर्ता निकाला है कि वो ये कुर्ता पहन के अपनी बुआ के नए घर की कुरान खाने के लिए जाएगा। और आज मैं एक और चीज पहनूंगी जो मुझे सबा ने गिफ्ट की थी, वो है ये ब्रेसलेट जो सबा ने मुझे गिफ्ट किया था जब रूहान हुआ था, हॉस्पिटल में आई थी वो पहली बार। निकल गए हम सब लोग रेडी हो के बुआ के घर जाने के लिए, उनके नए घर की कुरान खानी है। और रूहान बिल्कुल सही समय पे उठ गया, तो उसने अपने नया नया पठानी पहन लिया है, मेरे साथ ट्विनिंग कर रहा है। और यहाँ मम्मी बैठी है, पीछे बैठा है रेहान, और आगे बैठे हैं पापा, और यहाँ बैठे हैं धर्म दादा। चले चले, वेलकम टू अवर चैनल फ्रेंड्स। माशाल्लाह माशाल्लाह, रूहान इब्राहिम कुर्ता पजामा में बहुत ही ज़्यादा क्यूट और हैंडसम लग रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, सबा इब्राहिम ने एक न्यू हाउस लिया है और न्यू फ्लैट लिया है उन्होंने बहुत बड़ा, जिसे देखने दीपिका इब्राहिम और शोएब इब्राहिम जा नहीं पाए थे क्योंकि वो थोड़े बिजी थे और रूहान भी परेशान करने लगता है, इसलिए वो वहाँ पर सबा इब्राहिम ने फर्स्ट टाइम कुरान खानी रखी थी। उसी में शामिल होने के लिए दीपिका इब्राहिम रूहान को लेके पहुंची कुरान खानी में, जहां उन्होंने रूहान को वो कुर्ता पजामा पहना के और टोपी पहना के ले गई थी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड्स। और ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब दीपिका इब्राहिम ने रूहान को कुर्ता पहनाया, वो हमेशा जुमा के दिन उसको कुर्ता पजामा पहनाती है। और माशाल्लाह रूहान भी कुर्ता पजामा में बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लुक लगता है। आखिर बेटा है किसका? शोएब इब्राहिम का। शोएब इब्राहिम जब इतने स्मार्ट दिखते हैं तो बेटा तो स्मार्ट दिखेगा ही। और दीपिका की ये बहुत अच्छी बात है कि वो मुस्लिम धर्म में पूरी तरीके से शामिल हो रही हैं, वो कुरान खानी वगैरह में शामिल होती हैं। और ये फर्स्ट टाइम था जब सबा इब्राहिम के बुलाने पे वो वहाँ पर कुरान खानी में गई और उनमें शरीक हुई, और उन्होंने रूहान के यहाँ दोनों हाथ ऊपर करके उसको दुआ भी करवाई, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इससे पता लगता है दीपिका इब्राहिम कितनी ज़्यादा मुस्लिम फैमिली में अब शामिल होती जा रही हैं। आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।